मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूं, हालात जैसे भी हो होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूं। राह में कितनी भी हो मुश्किलें उसका डटकर सामना भी करता हूं, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को ही जमाना करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। विज्ञान वरदान है, विज्ञान चमत्कार है, विज्ञान मानव की जीत का स्रोत है। विज्ञान के माध्यम से ही मानव नित नए सृजन कर रहा है और अपनी जीत का पताका पूरे ब्रह्मांड में लहरा रहा है। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में तल्लीन है और अपने मजबूत इरादों से अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद पर डटा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, धरती पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। बंद है उनके करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। जी हाँ, इस आधुनिक युग में कुछ भी असंभव नहीं। मनुष्य जो सोचता है उस काम को पूरा करने के लिए वो उतनी ही शिद्दत से जुट जाता है, जिससे एक नई टेक्नोलॉजी बनती है और लोगों को उससे फायदा भी पहुंचता है। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन युवा टेक्निकल स्टूडेंट से, जिन्होंने अपने हुनर से एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे आपको फायदा ही नहीं बल्कि आराम भी मिलेगा। डिवाइस का नाम स्टेंसी है और ये आपके पोस्चर करेक्शन के लिए एक डिवाइस हमने बनाई है, जिसको हम कहते हैं स्टेंसी योर पर्सनल पोस्चर गाइस। आपका पर्सनलाइज एक पोस्चर ट्रेनर। सो आजकल हम लोग काफ़ी सारे फ़ोन और लैपटॉप पे बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ आ गई है, जैसे सर्वाइकल पेन, डिस्क हर्निएशन या फिर स्पाइनल डिजनरेशन। लैपटॉप का प्रयोग बिना किसी झिझक के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी मानव शरीर को कई नए नए तरह की बीमारियों से जोड़ रही है, जैसे सर्वाइकल, पीठ में दर्द, सिर का भारी होना, आंखों का लाल होना और उसमें दर्द होना लाजमी है। हम आजकल काफी ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो जब भी हम फोन यूज करते होते हैं टेक्सटिंग के टाइम या नॉर्मली भी, तो हम मुड़े होते हैं, हमारी गर्दन मुड़ी होती है, तो जो हमारी गर्दन का एंगल है वो नॉर्मली 30 से 60 डिग्री के बीच में रहता है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन की मसल्स के ऊपर 20 से 27 किलो का के बराबर का वजन हमारी गर्दन की मसल्स के ऊपर रहता है। हमारी गर्दन की मसल्स इस इतने ज़्यादा वेट को सहन करने के लिए नहीं बनी है, तो इस तरह के पेन जो कि आजकल मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, साथ में जो लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं लोग, डेस्क जॉब। तो सुना आपने, इन छात्रों ने जिस तरह से बताया कि हमारे जीवन में मोबाइल और लैपटॉप की भूमिका तो अहम है, लेकिन उससे होने वाली बीमारी बड़ी होती है, जिससे कई रोग हमारे शरीर में घर कर जाते हैं और हमारे शरीर को कमजोर बनाते हैं। जब कभी भी हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो हमारा सिर नीचे की तरफ झुकता है और हमारे पूरे सिर का वजन हमारी गर्दन पर आ जाता है, और इन छात्रों ने इस रोग से निजात पाने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया और परिणाम आपके सामने है। एक्चुअली ये कहानी कुछ ऐसे है कि पार्थ और हम क्लास में ऐसे डिस्कस कर रहे थे, और पार्थ को पिछले 4-5 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी हमारी बात ऐसे कुछ ऐसे बढ़ी कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हमने मतलब वहीं पे नेट पे गूगल करना शुरू करा, तो हमें एक भी सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमने ये प्रॉब्लम हम अपने प्रोफेसर के पास ले गए और डॉक्टर से बातचीत करी, तो हमें दिमाग में आया, हमें ऐसा लगा कि क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, तो क्यों ना हम ही कुछ ऐसा बनाएं जो कि इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कहते हैं जिनके इरादों में जान होती है सफलता उनके कदम चूमती है। इन छात्रों ने परेशानियों से निजात पाने के लिए स्टेंसी नाम की डिवाइस बनाई है, जो समय समय पर आपको अलर्ट करती रहेगी और तमाम परेशानियों से दूर भी। बेमिसाल के लिए दिल्ली से रचना उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 टीम। अपने नेक पहल और नेक इरादों के भरोसे भटिंडा से गया आए 5 दोस्तों ने अपने बेमिसाल कारनामे से लोगों का दिल जीत लिया। इन दोस्तों ने देश विदेश से गया आए पिंडदानियों को नाश्ता के साथ भोजन कराकर
उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और पिछले 7 सालों से इन दोस्तों ने इस नेक पहल के कारवा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद यही महसूस होता है कि इस धरा पर आखिर क्या हो रहा है, लोग इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं और फाल्गु नदी के तट पर बैठकर ये अपने सिर का बाल क्यों उतार रहे हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बैठे लोग अपने अपने पितरों और वंशजों को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के गया आए हुए हैं। गया 7 पहाड़ों से घिरा शहर है जिनमें ब्रह्म योनी पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये भगवान ब्रह्म के नारी शक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर तक पहुंचने और पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालुओं को पत्थरों से बनी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचकर श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और वो अपनी भारतीय परंपरा की पहचान को जीवंत रखते हैं। गया को लोग आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी मानते हैं। यहाँ लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं जिसकी वजह से हर समय यहाँ गलियाँ देसी विदेशी श्रद्धालुओं से भरी होती हैं। यहाँ की सौंधी सुगंध और विदेशी सैलानियों से ये शहर पूरे वर्ष भर गुलजार रहता है। घंटियों की मधुर आवाज और फल्गु नदी की कल कल करती जलधार के साथ मुंडन कराए पिंडदानियों का जन सैलाब गया की पहचान को उभारती है। माना जाता है कि इस शहर में पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाने की अद्भुत अकल्पनीय शक्ति है जिससे इस शहर को मोक्ष का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है। गया में पितरों को अंतिम रूप से विदाई देने के लिए उनकी जो आत्मा एक तृप्त हो जाए, पूर्ण तृप्ति, आत्मा की पूर्ण तृप्ति के लिए गया की ही मान्यता है कि गया में आए और यहाँ पर पितरों को विधि विधान के साथ उनको विदा करें जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि गया की गलियों में लोग हजारों की संख्या में आते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं, और इन्हीं गलियों में वो लोग भी नजर आ जाएंगे जो पिछले 7 साल से पंजाब के भटिंडा से यहाँ आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये 5 दोस्त हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ लोगों को भोजन करा रहे हैं। इन लोगों ने जब देखा कि पिंडदान करने आए लोगों को सही तरीके से भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो इन्होंने आपस में बात करके श्री विष्णुपद सेवा समिति का गठन किया और लोगों की भोजन के माध्यम से सेवा करनी शुरू कर दी। 5 दोस्तों ने खाने का मतलब लंगर लगाने का प्रोग्राम बनाया, तो जैसे ही लंगर लगाने का प्रोग्राम बनाया तो ये पंजाबी धर्मशाला वालों ने हमें जगह दे दी, तो अगले साल मतलब हमने लंगर शुरू कर दिया। ये मतलब हमें 7 साल हो गए लंगर लगाते हुए। जैसे हम आज से 6 साल पहले यहाँ पे पिंड दान कराने के लिए आए थे अपने माता पिता के, जब हमने पिंड दान कराया तो बाजार होटल में खाना खाने गए तो पैसे ज़्यादा लगे और खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। कई यात्री पैसा नहीं दे रहे थे तो उनको वो भगा रहे थे, भागो भागो खाना यहाँ नहीं है, मगर पैसे पूरे लगेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा था भी चलो अगर भगवान विष्णु जी हमें शक्ति दें तो हम अगले साल यहाँ पे आके लंगर लगाने की कोशिश करेंगे, लंगर लगाएंगे भगवान के। तो आते आते फिर हमने दाढ़ी वाले पंडित जी से बात की, हमने जगह देखे घूमते हुए, ये जगह हमें बहुत पसंद आई। पंडित जी से हमने कहा भी पंडित जी आप हमारा सहयोग करो, हमें जगह दो, अगर आप हमें सहयोग देते हैं जगह का तो हम लंगर लगाने की यहाँ कोशिश करेंगे। पंडित जी ने हमें जगह जैसे ही प्रधान की भी जगह आपको दे देंगे, उसके बाद हमने फिर लंगर शुरू कर दिया। पितृपक्ष मेला के शुरू होने के साथ ही शुरू हुए इस लंगर में प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग दोनों वक्त के भोजन के साथ साथ सुबह और शाम की चाय के साथ नाश्ता भी करते हैं। इस लंगर में तीर्थयात्रियों के अलावा मेला क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी, स्थानीय ब्राह्मण समेत अन्य लोग भी लाभान्वित होते हैं। वहीं इस लंगर की सेवा को देखकर गया के डीएम ने इन दोस्तों की पीठ थपथपाई। यहाँ पे जो निशुल्क शिविर चल रहे हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो अन्य कारणों से हो, वो गया की पहचान बना रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस चीज़ को, और इसके अलावा जो निशुल्क आपका ई रिक्शा चल रहा है और अभी निशुल्क मोबाइल चार्जिंग और बाकी व्यवस्थाएं भी की जाने वाली है। कहते हैं दौलत तो विरासत में मिलती है लेकिन पहचान अपने दम पर कायम करनी पड़ती है। इन 5 दोस्तों की नेक पहल की नींव भी इसी फलसफे पर रखी गई है।
और आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ पहुँचने वाले सभी श्रद्धालु इस नेक नियति के गवाह भी हैं। बेमिसाल के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 टीम। उम्र भले ही 88 साल की हो लेकिन हौसला किसी 17 साल के युवा से कम नहीं। शरीर भले ही साथ ना दे रहा हो लेकिन जोशे उफान में कमी बिल्कुल भी नहीं। जोश और जज्बे के दम पर ही एक व्यक्ति ने शब्दों के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि शोहरत उसकी कदम चूमने लगी। जरा आप भी मिलिए इस बेमिसाल शख्स से। उम्र 88 साल जरूर है, पड़ाव आराम का जरूर है, लेकिन पढ़ाई के लिए तो दिल आज भी बच्चा है। असम के जोरहाट में रहते हैं 88 साल के रविंद्रनाथ दास। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं, इसकी जीती जागती मिसाल है। रविंद्रनाथ दशकों पहले जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, आज फिर उसी कॉलेज के दर पर पढ़ाई की खातिर दस्तक दी है। रविंद्र कहते हैं नॉलेज की कोई एज नहीं। माय इंटेंशन, आई एम टू से दैट इट इज माय इंटेंशन टू टेक एडमिशन इन एमए क्लासेस, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अर्निंग सम नॉलेज अबाउट एजुकेशन। जोरहाट में जैसे ही कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिला, रविंद्रनाथ के मन में एक बार शिक्षा की अलग जग गई। 50 साल पहले रविंद्रनाथ ने ग्रेजुएशन किया था, एक बार फिर जोरहाट कॉलेज में एडमिशन लिया है, जोरहाट कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में जिंदगी जीने का नजरिया एकदम साफ है। बच्चों के साथ रहो तो खुद बच्चा होने का एहसास है। When the young children will come, and they will, along with, they will take classes with me in the same room, and that time I will feel that I am not the age of 88 years old. I am age 16 years or 18 years old. जब जब कॉलेज के सामने से गुजरे, तब तब मन में शिक्षा के मंदिर में शीश झुकाने का ख्याल आया। दिल ने हर बार बस यही कहा, चलो एक बार फिर से इस मंदिर से शिक्षा की अलग जगह। इट इज ए मंदिर, इट इज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग, सो टेम्पल ऑफ लर्निंग वी एडमायर, सो देयरफॉर व्हेन आई एम क्रॉसिंग जोहाट कॉलेज इन फ्रंट ऑफ जोहाट कॉलेज आई रेस्पेक्ट दिस कॉलेज एज दिस कॉलेज हैज गिवन मी ग्रेजुएशन एंड नाउ दिस कॉलेज हैज गिवन मी ए चांस एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी by opening this postgraduate classes in Jorhat College. जोरहाट के कॉलेज को भी अपने इस खास स्टूडेंट पर नाज है, क्योंकि कॉलेज का ये सबसे बुजुर्ग स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के लिए एक मिसाल है। गौतम बोहरा, न्यूज 18 नेटवर्क, जोरहाट, असम। मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से, लगन से, उत्साह से और जुनून से। जी हां, एक गुरु जो अपने बेइंतहा कोशिश से गांव की छोरी को दंगल के उस मुकाम तक पहुंचाने की जिद पर अड़ा है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं। क्या है उस गुरु की दिली ख्वाहिश, जरा आप भी देखिए। पहलवानी तो छोरे करे हैं, तुम्हारी छोरियां छोरों से कम है के? जी हां, यह डायलॉग फिल्मी तो जरूर है, लेकिन इसे अपने जीवन में जीवंत कर दिया मेरठ के गुरु ने। उनका मानना है कि लड़कियां किसी भी हालत में लड़कों से पीछे नहीं हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप खुद देख सकते हैं दिव्या काकरान के रूप में। इसने महज 20 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम में अपने जीत का परचम लहराकर रिकॉर्ड बना लिया। इस लेडी खिलाड़ी के दिन की शुरुआत वार्म अप और धूल मिट्टी से शुरू होती है। ये मेहनत करती है, अपने हौसलों के दम पर आसमान को छूने का जुनून लिए मिट्टी को खोद कर उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर जोर आजमाइश करती है। वो कामयाबी का फलसफा खुद बुन रही है, क्योंकि उनके अंदर का जोश और जज्बा जाग गया है। वो एक मिसाल बनने के लिए उत्सुक है, उसकी उत्सुकता ही उसकी कामयाबी की इबारत लिख रही है। उनके गुरु का मानना है कि मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें
बनाना पड़ता है। प्यार से, मेहनत से, लगन से और जुनून से। सवेरे 4 बजे उठकर वे दौड़ती हैं, मतलब जहाँ से उन्हें वाहन मिलते हैं तो गांव से जो है सड़क को दौड़ कर आकर फिर जो है वहाँ से थ्री व्हीलर पकड़ के या बस पकड़ के फिर 5 बजे तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं बच्चियाँ, और फिर यहाँ आकर जो है पूरी मेहनत करती हैं। उनके पेरेंट्स जो है यहीं पर खाना भी दे कर चले जाते हैं, यहीं पर फिर वो रेस्ट भी करती हैं और 2 बजे फिर सुबह शुरू हो जाती है प्रैक्टिस। तो सुना आपने, एक गुरु की कोशिश कैसे रंग लाई और उस गुरु के सिखाए दांव पेच को इस बिटिया ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बाखूबी इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम है कि इस बिटिया ने अपने देश के तिरंगे और गुरु के साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर दिखाया। इसने कई मुश्किलों का सामना किया लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति जी जान से लगी रही और कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र के कुश्ती ब्रॉन्ज विजेता बनकर दिखा दिया। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं आती थी यहाँ पे मैं बहुत छोटी थी और आज मेरा इतना बड़ा स्वागत हो रहा है यहाँ पे, और मैं हमेशा से अलका मैम जैसी बनना चाहती थी और मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक बार उनसे मिलूं, पर लेकिन तब वहाँ पे गए और हम एक ही रूम पार्टनर थे, मैम मुझे रात रात समझाती थी और तब मेरा मेडल आया, तो मैं इनकी जैसी बनना चाहती हूँ। और दूसरा ये कहती है कि और भी मेहनत कर, और जैसे मैम ने किया है कि कोच बन के आई है तो मैं थोड़ा मोटिवेट हुई उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो बहुत अच्छा है आगे लड़कियों के लिए बच्चा। और यूनिवर्सिटी मैम प्रैक्टिस करा रही है इनको, मैम खुद इतनी बड़ी पहलवान है तो ये भी आगे बढ़ेंगे। दिव्या की जीत से उसके अखाड़े की लड़कियां इतनी उत्साहित हैं कि वो किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये कितने जोश से लबरेज हैं। इनके भीतर के जज्बात अभी जिंदा हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर सुबह सवेरे कुश्ती की रियाज करती हैं। ये अपने हौसले के दम पर इतिहास रचने की तैयारी में जुट चुकी हैं। खुद के मेहनत के दम पर ही ये छोरियां नेशनल लेवल तक अपनी कुश्ती और उसके दम का लोहा मनवा चुकी हैं। तभी तो इनके उत्साह को देखकर इनके गुरु ने भी इनका पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया है। वो अपनी छोरियों को हर तरह की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटियां इंटरनेशनल स्तर के दंगल पर पहुंचकर जमीन का सीना चीर कर देश का नाम रोशन करें। दिव्या के बारे में मैं जितना भी कहूंगी वो कम होगा, क्योंकि दिव्या ने इतनी अच्छी उपलब्धि आज यहाँ पे पाई है, क्योंकि ये काफ़ी कम एज की लड़की है जो पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम्स में और ये मेडल लेकर आई है। ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात भी है। इसके पापा ने शायद इससे भी ज़्यादा मेहनत की है, इसकी मम्मी ने भी इससे ज़्यादा मेहनत की है इसे यहाँ तक पहुँचाने में। हमने उन्हें खुद देखा है, हमारे सामने वो जाते थे हर नेशनल में, हर कहीं भी जो कॉम्पिटिशन होता था, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और दिव्या को बहुत करीब से देखा है। इसने कुछ ठान रखा है कि मुझे ये तो बहुत छोटा कंपटीशन था, ओलंपिक इसका टारगेट है और हम चाहेंगे ओलंपिक में मेडल लेकर। दिल में जीत का उमंग लिए ये दंगल गर्ल निकल चुकी है अपने मुकम्मल जहां को तलाशने। वो सुबह से शाम तक लगातार कुश्ती के धुन में रमी रहती है। ये अपने भीतर के फौलाद को संभाल कर रखती है जिसे वो आने वाले वक्त में सही समय पर इस्तेमाल कर सके। वो कुश्ती के मैदान में जोर आजमाइश की तैयारी में जुटी है। वो अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए नए नए तेवर आजमाती है। इस बिटिया ने अपने जुनून और उत्साह का परचम पूरे देश में लहरा दिया है। ये अपनी जीत से सभी के दिलों को जीत चुकी है। इसका एक ही ध्येय है कि वो अपने गुरु के मान और सम्मान बुलंदियों तक पहुंचा सके। अपनी मेहनत और लगन के सहारे ये छोरियां मिट्टी में अपना पसीना बहाकर बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जी जान से जुट गई हैं। वाकई इनके इरादे इनके आने वाले वक्त की तस्दीक कर रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को मजबूत कर रही हैं। इन बेमिसाल बेटियों के जज्बे को News18 का भी सलाम। बेमिसाल के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट News18 टीम। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थककर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जी हां, आपकी मेहनत
और लगन के बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।